रियासत का दर्जा कब बहाल होगा, लोगों को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली से भी होकर के आए, लेकिन लोगों को अभी तक नहीं बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ क्या बातचीत हुई, अमित शाह के साथ क्या बातचीत हुई, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ क्या बातचीत की और नितिन गडकरी के साथ क्या बातचीत की। लेकिन आपको बता दें, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला कब सामने आएंगे और ये कहेंगे कि रियासत का दर्जा कब बहाल होगा। आपको बता दें, इसमें कई सारे अहम इकदाम हैं जो लेने होंगे और कई सारी चीजों से जो है वो गुजरना होगा। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि आपके रियासत का दर्जा बहाल होगा और आकर के ऐलान कर दिया जाएगा और बहाल हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा होमवर्क करना होगा। और जिस तरह से दफा 370 को जब तोड़ा गया था तो कई साल लग गए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें उन्होंने पहले अपने मंशूर में लाया था कि अगर हम इक्तदार में आते हैं तो जम्मू कश्मीर से हम दफा 370 का खात्मा करेंगे, और इस हवाले से कई सारे अमेंडमेंट करनी पड़ी और कई सारा होमवर्क करना पड़ा और उसके बाद दफा 370 को खत्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और इसी तरह से अगर हम देखें तो दर्जे की बहाली जो है, रियासत के दर्जे की बहाली के लिए कई इकदाम इन्हें भी उठाने होंगे, और जब इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ही रियासत के दर्जे की बहाली भी होगी। लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि जो 10 नवंबर से पहले, चूंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो भी नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले इस पर फैसला सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बातें आ रही कि इसमें लग रहा है कि हो सकता है इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। कई अखबारों ने भी इस चीज का जिक्र किया कि इस पे पूरी सहमति जो है वो जताई गई है, यानी कि मरकजी सरकार इस पर पूरी तरह से मुतमईन है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को हम उनकी रियासत का दर्जा जो है वो वापस दे देंगे, उनके साथ जो वादा किया है। आप जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आकर के SKICC में जब यहां पर योगा डे मनाया गया था तो उसमें भी उन्होंने बाजब्ता तौर पर ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक जो है वो दिया जाएगा, यहां पर रियासत के दर्जे की बहाली होगी। और इसी तरह से वजीर दाखला अमित शाह ने भी कहा था कि जब यहां पर हालात मामूल पर आ जाएंगे, यहां सारी चीजें मामूल के हिसाब से चलने लग जाएंगी और उसके बाद यहां पर रियासत का दर्जा बहाल होगा। और उसके बाद कई ऐसी बड़ी मिसालें हैं, यहां पर G20 हुआ, यहां पर लेजेंड लीग हुआ, यहां पर इलेक्शन हुआ जो कि बड़े पुरमन तरीके के साथ हुआ, लोकसभा का भी हुआ, असेंबली का भी हुआ, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे भी सामने आए और अब हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मरकज के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बातचीत भी की और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इंजीनियर रशीद साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से कहा कि आप पब्लिक के सामने वो सारी बातें कीजिए, पब्लिक के सामने वो बातें कीजिए, वो कहानी बताइए जो आपने वजीर आजम के साथ की, जो आपने वजीर दाखिले के साथ बातचीत की जम्मू कश्मीर को लेकर के, कि कब यहां पर रियासत की दर्जे की बहाली होगी। उन्होंने भी कहा, आपने भी कहा है, लेकिन कब होगी, लोग इसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इसके पीछे भी एक लंबा होमवर्क शायद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से दफा 370 को तोड़ा गया था उसके लिए कई सारा वक्त लगा था और अब रियासत के दर्जे की बहाली के लिए भी शायद कुछ वक्त और लग सकता है। इस तरह की अभी तक खबरें आ रही हैं कि थोड़ा सा वक्त और लगेगा और उसके बाद रियासत के दर्जे की बहाली भी की जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर।